हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेनियम ट्यूटोरियल। अभी तक हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट माउस एक्शंस परफॉर्म किए थे। हमने डिफरेंट एक दो टेस्ट केसेस भी किए थे, उसके बाद हमने ग्रिड का सेटअप और काफ़ी चीज़ें की। हम एक टेस्ट केस करना चाहते हैं जो काफ़ी जगह प्रॉब्लम करता है, जो बेसिकली डेट सेलेक्शन है किसी भी कैलेंडर से। जब यूआई पे कैलेंडर आता है तो हम कैसे डेट सेलेक्ट करें, तो उसके लिए पहले हम एक क्लास बनाते हैं टेस्टिंग कैलेंडर, पहले की तरह मेन मेथड, एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट जिसमें हम क्रोम ड्राइवर इनिशियलाइज कर रहे हैं, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, इंपोर्ट करेंगे, एक वैल्यू पे जाएंगे, लेट्स से डेमो डॉट, इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे, फायरफॉक्स में ओपन करते हैं इसे। इसमें हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाल सकते हैं, तो इसे इंस्पेक्ट करेंगे, पर हर बार ही आपको टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू नहीं डालने को मिलेगा, वो फ्रीज भी हो सकता है। तो अभी के लिए पहले ये ट्राई करते हैं। तो एक पहले तो ये यूआरएल में कॉपी करेंगे इसे कोड में नेविगेट करने के लिए, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड बाय एलिमेंट बाय डॉट नेम, नेम मेरा क्या है वो देखते हैं, उसके बाद डॉट सेंड कीज, और कीज मेरी लेट्स से 09 05 23, ये मैं 09 05 17, ये मैं वैल्यू डालना चाहता हूं, तो मैं सिंपली एग्जीक्यूट करूंगा इसे। तो मैं यहां पर सिंपली एक पुट कर रहा हूं वैल्यू को, तो इसने ये वैल्यूज को पुट कर दिया, 09 05 और 17 जो भी मैंने कहा। ऐसे ही अगर मान लो कि यहां पर फ्रीज है, मेरी वैल्यू अलाउड नहीं है, तो मैं ये काम कैसे करूंगा, तो हम इसको कमेंट करते हैं, एक वेबसाइट पे जाते हैं दूसरी पे, सिलेनियम के लिए जहां पर कैलेंडर फ्रीज हो उस वेबसाइट को हम यहां डालेंगे। तो हमने यहां नेविगेट किया इस पे, तो मेरा ये कैलेंडर है, इसको इंस्पेक्ट करेंगे, जब भी मैं इसे क्लिक करता हूं तो मेरा कैलेंडर खुलता है। तो मैं इस एलिमेंट को क्लिक करूंगा, उससे पहले मैं इस यूआरएल पे नेविगेट करने के लिए यूआरएल डालूंगा इस मेथड में, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, और मेरी आईडी यहां पर है डेट पिकर, और उसे क्लिक करूंगा। मैं नेविगेट कर रहा हूं और उसे क्लिक कर रहा हूं, उसके बाद जो ये कैलेंडर खुल रहा है उसका एक्स पाथ देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहां पर अगर आप देखोगे, जब मैं टी आर करता हूं तो मेरी पूरी लाइन आती है, पूरा डेटा आता है, और टी बॉडी से मेरा पूरा यहाँ ये डेटा आ रहा है। तो मैं अगर यहां पर एक वैल्यू कुछ भी सिलेक्ट करना चाहता हूं, जैसे रो में मेरा पूरा डेटा क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक डेटा आ रहा है, उसके बाद मेरा जो डेटा आ रहा है वो ये है 7 8 9 10, तो मैं इस एक्सपाथ को उठा के एक ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स के लिए उठाऊंगा, जिसका रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, बाय डॉट एक्सपाथ डॉट, इसका कुछ रिटर्न नहीं, सॉरी कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कराएंगे, सॉरी, बस इसे लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स में
स्टोर करेंगे जिसका नाम हम डेट्स लिख देते हैं। इसे इंपोर्ट करेंगे, लिस्ट को भी इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे जिसमें मैं लेट से वेब एलिमेंट लिखता हूं, सेलेक्टेड डेट्स जिसको मैं डेट्स के थ्रू लूप कर रहा हूं, ये मेरी लिस्ट है। और उसके बाद सेलेक्टेड डेट्स का टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। सॉरी, यहां पर गेट टेक्स्ट आएगा। गेट एट्रीब्यूट भी आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट लेने के लिए, पर एक आपके पास डायरेक्ट मेथड है जो गेट टेक्स्ट कर रहा है। और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, सेव करेंगे और रन करेंगे। अब जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहां पर मेरा ब्राउजर खुलेगा और मेरी सारी डेट्स प्रिंट होनी चाहिए। ब्राउजर खोलने के बाद क्लिक किया उसने और यहां पर मेरी सारी की सारी डेट्स प्रिंट हो गई। अब मान लो आपको कोई डेट क्लिक करवानी है, यहां पर मेरी कोई भी डेट सेलेक्ट नहीं हुई, बस ब्राउजर खुला है, तो आपको ये क्लिक करवानी है लेट्स से 28 है तो इसको ब्रेक ब्रेसेस में डालेंगे। तो अगर ये वैल्यू 28 के इक्वल है तो उसे क्लिक कर दो। ये एक्शन परफॉर्म कराया मैंने, फिर से इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब की बार मेरी ना सिर्फ डेट प्रिंट होनी चाहिए बल्कि मेरा जो पहले सिर्फ कैलेंडर खुला था, तो मेरी डेट जो 28 था वो सिलेक्ट हो जानी चाहिए। तो ये पेज लोड होगा। कैलेंडर पे क्लिक किया और इसने 28 को सिलेक्ट भी कर लिया, जबकि पिछली बार सिर्फ कैलेंडर खुला था, कोई डेट सिलेक्ट नहीं हुई थी। और यहां देखेंगे तो ये डेट सारी की सारी प्रिंट हुई है 1 to 31। इसमें अगर आप मंथ चेंज करना चाहें तो सिंपली इसका एक्सपाथ या कुछ भी वैल्यू उठा के फायरफॉक्स में देखते हैं अच्छे से। तो ये नेक्स्ट वाला को ऑप्शन उठा के जिसको हम टेक्स्ट से फेच करने की कोशिश करेंगे, तो इसको क्लिक करवाएंगे तो ये नेक्स्ट में जाएगा। तो एक बार हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ क्लिक करवाएंगे और फिर से यही एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अब की बार मई की जगह जून का सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहां ब्राउजर खुलेगा, भी नेविगेट करने के बाद ये कैलेंडर खोलेगा, नेक्स्ट मंथ पे इसे मूव करना चाहिए और डेट सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो इसने यहां पर मई की जगह जून सेलेक्ट किया है क्योंकि हमने इसे नेक्स्ट किया है। ऐसे आप प्रीवियस कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वैसे एक्शन परफॉर्म करा के आप नेक्स्ट ईयर पे जा सकते हैं। मान लीजिए आप इस जून को
ये जो क्लिक करवा रहे हैं इसको 6 बार या 8 बार जितनी बार भी क्लिक करवाना चाहे वैसे करवा सकते हैं। आप डेट या कैलेंडर ऑब्जेक्ट्स जो जावा के उनको यूज करके भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। तो हमने देखा कि हम कैसे कैलेंडर्स को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर यहां पर आपने लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स लिया है तो आप यहां पर एक पाथ दे रहे हैं, आप इसको नॉर्मल फॉर लूप से भी एट्रेट करा सकते हैं, बट वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा, उसमें आपको मे बी नेस्टेड लूप्स की जरूरत पड़े। तो एक एफिशिएंट तरीका है सिंपली किसी भी फ्रीज्ड कैलेंडर्स को, यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर नहीं करने देते, अगर टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर हो रही है, अवेलेबल है, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इससे वैल्यू एंटर कराएं। लेकिन आपको अगर कैलेंडर की ही टेस्टिंग करनी है तो ये बेस्ट तरीका है। तो हमने ये सब ये टेस्ट केस परफॉर्म किया और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।